नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा द्वारा त्यागपत्र देने के बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। कल 12 जून को जेल वापस जाने से पूर्व इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अभय सिंह चौटाला सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। संभावना है कि कल 14 जून को अभय सिंह चौटाला चंडीगढ़ में इसकी घोषणा कर सकते हैं। जेल जाने से पहले इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने क्या कहा, सुने और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की खास रिपोर्ट। सर, ये संगठन वगैरह कुछ नए बनाए आपने, 14 दिनों का जो दौरा था वो कैसा रहा, कुछ संगठनों में बदलाव हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के ISO के कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं? हाँ, संगठन बनाया गया है, वो लिस्ट छपेगी, आपको बता दी जाएगी। और 14 निराश और हताश ना हो बल्कि ज़्यादा मेहनत करें, यही आपसे कह रहा हूँ, कृपया जरा छापते वक्त ध्यान रखें। सर, ये संगठन वगैरह कुछ नए बनाए आपने, 14 दिनों का जो दौरा था वो कैसा रहा, कुछ संगठनों में बदलाव हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के ISO के कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं? हाँ, संगठन बनाया गया है, वो लिस्ट छपेगी, आपको बता दी जाएगी। और 14 दिनों की आपकी जो यात्रा रही प्रदेश में, कई जगह आपने कार्यकर्ताओं से बैठक ली और CM के प्रति आपको ज़्यादा ही हमला बरते और काफ़ी आहत भी नज़र आए CM की, और कुछ प्राइम मिनिस्टर को मैंने फूल अर्पण किए हैं, मैंने तो वो भी जैसा है वैसा ही बताया है, प्राइम मिनिस्टर जैसा है उसका भी मैंने वही उल्लेख किया है, यही मैंने खट